हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय थेरेपी चैनल। तैमी आज क्या पका रही है? आज मैं बना रही हूँ बिहारी टिक्का मसाला। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। अबे क्या बहुत चटपटा होएगा। हाँ खतीजा, ये बिहारी टिक्का मसालेदार भी होगा और थोड़ा सा मसाला बहुत ज़्यादा इसका चटपटा भी होगा। आपको बना के खिलाऊंगी ज़रूर। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक करके जाना और सब्सक्राइब भी। सो लेट गेट स्टार्टेड। के लिए हमने 1 किलो चिकन लेग पीस हमने कट लगा लिए। इसके लिए हमने ज़्यादा बड़े पीस नहीं लिए। हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और डालेंगे 1 पाव दही। दही हम इसलिए ज़्यादा डाल लें ताकि टिक्के मसालेदार बने। अब हम इसमें डालेंगे 1 तली हुई प्याज का पेस्ट। जो मसाले हैं और ये डालेंगे दो ये है 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें लिया धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला लिया है, 2 टेबलस्पून इसमें चाट मसाला लिया, 1 टेबलस्पून नमक लिया है। सारे मसालों को अपनी चिकन में डाल देंगे। अब हम लेंगे 3 टेबलस्पून सिरका, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और चिकन भी टेंडर हो जाती है। अब हम डालेंगे 2 पिंच ऑफ फूड कलर। हम डालेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल, 1 टेबलस्पून ऑफ भुने चनों का पाउडर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जितना हम मिक्स करेंगे उतना टेस्ट अच्छा आएगा। अब हम 3 घंटे के लिए इसे फ्रिज में मैरिनेट के लिए रख देंगे। अब देखें हमारी चिकन मैरिनेट हो चुकी है। कितना अच्छा कलर आया है चिकन के पीसेस को लेकर। तवे पे तेल आंच पर सेक लेंगे, बस कलर के लिए सेक लेंगे अपनी चिकन को। जब तक हमारे चिकन में कलर आ रहा है हमारी टैमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरी टैमी के 200 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। अब देखें अब अपनी चिकन को हम लाइन से रखते जा रहे हैं। अब हम सबको अलर्ट अलर्ट के सेकते जाएंगे, अच्छा सा कलर दे देंगे। बिहारी टिक्कों का कलर कितना अच्छा आया है। देखें ऐसी मुँह में कितना पानी आ रहा है, ऐसी कितनी टैमटिक लग रही है। अब हम अपनी चिकन को निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब हम एक कढ़ाई में सारी चिकन को डाल देंगे। चिकन को इतना पकाएंगे कि हमारी चिकन गल जाए और मसाला भून जाए। अभी हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे, इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि हमारी चिकन गल जाए। जब हमारी चिकन गल जाए तो हम इसको कोयले के पर दे देंगे। कोयले को दब देने के बाद बिहारी टिक्का मसाला रेडी। अब इसको अच्छी तरह भून लेंगे। इसके बाद हम डिश आउट कर देंगे। देखिए हमारी चिकन कितनी मज़ेदार लग रही है। इसको पराठों के साथ खाइएगा, बहुत मज़े का लगेगा। देखिए हमने सर्व कर दिया, ये देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।